आईएस होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, बीटीसी के चार्ट को, और देखेंगे यहाँ पर बीटीसी में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, और अभी हमें ट्रेड लेना चाहिए, अभी हमें जस्ट वेट करना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए कि नेक्स्ट मार्केट में क्या होने वाला है। विकास, अगर आपने देखो तो लास्ट वीक से बीटीसी में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और कोई ज्यादा आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इससे नेक्स्ट क्या होने वाला है और आपको अभी क्या करना चाहिए, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूं आने वाले इस मंथ में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं बीटीसी को लेकर, और उन इवेंट्स का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन इवेंट्स को लेकर आप क्या बेनिफिट आपको हासिल कर सकते हैं उन इवेंट्स से, ये सब आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट ये होने वाला है। और इसके साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको डेली अपडेट मिलती रहती है मार्केट की, उसके साथ वहां पर आपको डेली की बेसिस पर फ्री में वहां पर फ्यूचर स्कैल्पिंग के सिग्नल मिलते हैं। यहां पर अगर आप देखें, आज हमने वहां पर ये वाला सिग्नल शेयर किया था और इसने हमें वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर रखा है बीटीसी का। तो आज से हमने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस अपलोड की थी और वहां पर मैंने आपके साथ लास्ट ये जो बीटीसी का चैनल था ये डिस्कस किया था, एंड उसके बाद आपके साथ मैंने ये वाला पैटर्न शेयर किया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीट करती है, देन हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट टाइम बीटीसी ने इस पैटर्न में मूव किया था एंड इसको डाउन साइड भी ब्रेक किया था, और ये ब्रेक करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ टारगेट्स बताए थे, तो बीटीसी ने सेम वो टारगेट्स हमारे यहाँ पर हिट किए थे, एंड सेम अगेन बीटीसी ने जब इसको ब्रेक किया देन अगेन बीटीसी इस तरह के बॉक्स में ट्रेड होने लगा, और यहाँ पर इस ट्रेड को बीटीसी ने अगेन यहाँ पर ब्रेक किया, और यहाँ पर भी आपके सामने मैंने वीडियो में अपने कुछ टारगेट्स मेंशन किए थे, तो बीटीसी ने हमारे यहाँ पर टारगेट्स को हिट कर दिया था। लेकिन जैसे बीटीसी ने हमारे यहाँ पर टारगेट्स को हिट किया है उसके बाद बीटीसी यहाँ पर कुछ बाउंस हुआ था बीटीसी, और 22500 तक बीटीसी गया था, लेकिन 22500 यहाँ पर एक एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, वहां पर बीटीसी ने जैसे इसको टच किया और ऊपर से वहां पर सीपीआई की रिपोर्ट आई थी, वहां पर जो डाटा रिलीज हुआ था सीपीआई का जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया था, तो उससे भी हमने वहां पर बेनिफिट लिया था बिकॉज वहां पर हमने अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर रखी थी फरी ग्रुप में, और वहां पर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया था, और वहां पर हमारी सीपीआई डाटा रिलीज होने की जो हमने अपडेट दी थी उससे बहुत सारे लोग सेफ भी हो गए थे इस डंप से। तो ये डंप जो हुआ था, यहाँ पर आपको ये कैंडल्स नजर आ रही है रेड कैंडल्स, ये उसी सीपीआई डाटा रिलीज होने वाले दिन ही उसी के ठीक 5 मिनट्स बाद यहाँ पर ये एक कैंडल्स बनी थी रेड वाली, जैसे सीपीआई डाटा रिलीज हुआ था, बिकॉज सीपीआई डाटा जितना लोगों को लग रहा था उससे भी ज्यादा आया था, 8.3% तक सीपीआई डाटा आया था। तो इसका नेक्स्ट क्या इंपैक्ट होने वाला मार्केट पर उसकी हम यहाँ पर अगर बात करें, बिकॉज नेक्स्ट जो 20 और 21 ऑफ सितंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए, स्टॉक्स ऑफ मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 21 और 20 सितंबर को यहाँ पर US फेड मीटिंग होने जा रही है। बिकॉज अगर आपने देखो लास्ट फेड मीटिंग में जो हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आया था वो आया था 0.50, तो इस बार जो चांसेस हैं वो 0.75 के हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि सीपीआई डाटा आया 8.3, अगर उसको लेकर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1% तक भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मार्केट में हमें बहुत ज्यादा डंप देखने को मिलेगा। और अगर आप इस डेट को अगर ऐसा होता है 0.75 आ जाता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, देन मार्केट में मे भी आपको कुछ ज्यादा डाउन साइड मूवमेंट ना देखने को मिले, बिकॉज वहां पर क्योंकि ये लोग को आइडियाज है पहले कि 0.75 आना है, बिकॉज अगर आप देखें तो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी देन 0.25 था, उसके बाद 0.50, एंड अब यहाँ पर 0.75 आना है, लेकिन यहाँ पर सीपीआई डाटा जो रिलीज हुआ था वो डिपेंडेंस करता है यहाँ पर फैट की मीटिंग्स पर, और उसको अगर आप यहाँ पर एनालाइज करके देखें तो यहाँ पर जो फैट की मीटिंग होने जा रही है इसमें इंटरेस्ट रेट के जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो 1% तक है, और अगर 1% तक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आता है देन मार्केट में आपको बहुत अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मे बी बीटीसी 70,500 को भी टच करे, बिकॉज जो इस साल का यहाँ पर सबसे बॉटम था उसको बीटीसी टच कर सकता है, अगर 21 और 20 को ये जो फैट की मीटिंग होनी है उसमें इंटरेस्ट रेट आता है। इसके बाद अगर आप देखें
तो कल जो यहाँ पर इथेरियम मार्च इवेंट था, ये बहुत बड़ा इवेंट था क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन अगर आपने देखो तो इसका भी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट पर, जैसा लोगों को लग रहा था कि इथेरियम मार्च होने जा रहा है और इसको लेकर बहुत ज्यादा बूम मचा हुआ था मार्केट में कि इथेरियम मार्च होने जा रहा है। लेकिन अगर आपने देखो तो इथेरियम मार्च होने के बाद भी मार्केट में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि इथेरियम मार्च होने के बाद अच्छा खासा मार्केट में डंप आया। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इथेरियम में भी हमें अच्छा खासा डंप देखने को मिला है। जब यहाँ पर ये इथेरियम मार्च हुआ था देन यहाँ पर जो प्राइस चल रही थी इथेरियम की वो लगभग कुछ आ रही थी $1570 पर, लेकिन यहाँ पर बीटसी ने कुछ थोड़ा बहुत हमें पंप नजर आया और यहाँ पर बीटसी ने टच किया $100 ही हमें यहाँ पर पंप नजर आया इथेरियम में, और यहाँ पर इथेरियम ने टच किया $1650 को, और इसको टच करने के बाद वहां पर हमें एक अच्छा खासा ही डंप नजर आया मार्केट में, और यहाँ पर इथेरियम ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को टच किया जो कि $1450 बनती थी, और अभी भी उसी के ही करीब ही ट्रेड हो रहा है। और अभी यहाँ पर चांसेस हैं कि 20 और 21 सितंबर को जो फैट की मीटिंग आ रही है वहां पर हमें अच्छी खासी मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, तो वहां पर भी इथेरियम यहाँ पर चांसेस हैं कि अगेन अपनी जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी $1250 उसको टच कर सकता है या $1000 तक भी इथेरियम आ सकता है। तो आपने देखोगा कि इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी मार्केट में हमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट नजर नहीं आई, तो इसके सबसे जो ज्यादा यहाँ पर रीजन है वो ये है कि अभी जो फैट की मीटिंग आने वाली है वो एक रीजन हो सकता है, और दूसरा रीजन यहाँ पर सीपीआई डाटा है। जो सीपीआई डाटा यहाँ पर पहले से आपको पता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव आया है 8.3, उसको लेकर भी मार्केट में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, कुछ ज्यादा आपको पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही। और अगर आपने देखो हमने अपने यहाँ पर डायग्राम ग्रुप में भी आपको मैंने कुछ अपडेट शेयर की थी व्हील्स को लेकर कि व्हील्स अभी कुछ भी एक्युमुलेट नहीं कर रहे, बल्कि वो सेल कर रहे हैं जो भी उनके पास है व्हील्स के पास, वो अभी कुछ भी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहे, वो अभी मीन दैट वो वेट कर रहे हैं। जब भी मार्केट में व्हील्स आएंगे वो एंट्री लेंगे देन ही आपको मार्केट में कुछ अपसाइड मूवमेंट नजर आ सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें वो अभी ट्रेड नहीं ले रहे तो इसका साफ सा मतलब ये है कि अभी वो वेट कर रहे हैं, मार्केट अभी इससे भी ज्यादा डाउन जा सकती है। तो अभी आप यहाँ पर देखें तो बीटसी की अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो अभी जो बीटसी के लिए सपोर्ट है वो 19,500 वाली अभी बीटसी के लिए एक लोकल सपोर्ट आप कह सकते हैं, लेकिन अगर बीटसी इस लोकल सपोर्ट को ब्रेक करता है देन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मंथ सपोर्ट 18,500 है। मे बी जैसे कि वीकेंड स्टार्ट है तो वीकेंड्स पर मे बी बीटसी 18,500 को टच कर सकते हैं, लेकिन आप 18,500 पर अपनी एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं स्कैल्प लॉन्ग की, वहां पर आप अपना रिस्क मैनेज करके वहां पर अपनी एक शॉर्ट लॉन्ग की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप प्रीवियस जो आप इस साल का बॉटम है उसके नीचे कहीं पर सेटअप कर सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0.75 आता है देन हमें मार्केट में कुछ अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये नो कि आप यहाँ पर फैट इंटरेस्ट रेट को लेकर बैठे रहें और आप यहाँ पर कोई भी अपनी ट्रेड ना ले पाए। मजीद हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको अपडेट दे देंगे, वहां पर भी अगर इस तरह कोई सिग्नल हुआ हम वहां पर आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन अगर आप यहां पर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 18,500 के करीब भी अपनी लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अभी भी अपनी एक लोकल सपोर्ट पर है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है देन यहां पर इथेरियम के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो होगी वो $1250 होगी, तो वहां पर आप अपनी एक लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर अपनी एक लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट की थी इथेरियम में और इसमें हमें लगभग यहाँ पर जो 50% तक विदाउट एनी लेवरेज यहाँ पर प्रॉफिट दिया था। तो ये आपके पास एक सपोर्ट बनती है $1250, यहाँ पर आप एक इथेरियम की लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो है 20 और 21 सितंबर, आपने इस डेट को याद रखना है, और इन दिनों आप अगर न्यूबीज हैं तो आप कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, अदरवाइज हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी अगर ट्रेड होती है तो वहां पर शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक यहाँ पर बायबिट पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप यहाँ पर बायबिट पर अकाउंट भी बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ ऐसे कॉल्स होते हैं जो बायनांस पर अवेलेबल नहीं होते तो यहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। तो आज की इतनी अपडेट थी, आपको कुछ इथेरियम मार्च के बारे में बताना था और इसके सबसे इंपॉर्टेंट वो था कि आपको फैट की मीटिंग के बारे में बताना है जो फैट की मीटिंग होने जा रही है। तो ये फैट की मीटिंग्स वगैरह की आपको मैंने डेट वगैरह बता दी है, सो इसको आप याद रखिएगा और थोड़ा सेफली ट्रेड कीजिएगा, ये नहीं कि आप कोई भी ट्रेड लें और उसमें अपना 100% फंड चूज कर दें। सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। सो अगर
आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।